अब बता, इस कमरे को देख के क्या तुझे कुछ चेंज लग रहा है? फील तो अलग आ रही है। है ना? हाँ। मुझे पता ही था तू ये कमरा देखते ही समझ जाएगा, तेरा दिल महसूस करेगा। पर हुआ क्या है यहाँ पे? बदलाव, इस कमरे में काफी बदलाव आया है और मुझे पता है तुझे वो महसूस हो रहा है। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल? ऐसे कैसे नहीं, तू पिछली बार जब इस कमरे में आया था और अब तू इस कमरे में आया है तो इस बीच में तुझे बदलाव नजर आया ना? हाँ आ रहा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि। तुझे पता है ये कमरा थोड़ा सा मुरझा गया था। मैंने पंडित जी से कहा कि कुछ ऐसे मंत्र उच्चारण कीजिए जिससे इस कमरे की पूरी वाइब्रेशन सब कुछ बदल जाए, इस कमरे में पॉजिटिविटी आ जाए, ताकि प्रीता को उसके हिस्से का प्यार मिल जाए। ये आप हमेशा प्रीता के बारे में इतना सोचती क्यों रहती हैं? मेरा मतलब है, वो तो ठीक है ना? ठीक है, लेकिन अर्जुन कुत्तर शायद तुम जानते नहीं हो, प्रीता और मेरा रिश्ता भले सास बहू का रिश्ता हो, लेकिन सास बहू से ज्यादा, कहीं ज्यादा माँ बेटी का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। इतना भी प्यार मत कीजिए कि कल का वो कुछ ऐसा करते करते जिसे आप बर्दाश्त भी ना कर पाए। नहीं, मुझे प्रीता पे पूरा भरोसा है, वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अर्जुन तुम्हें पता है प्रीता को इस घर में लाने वाला मेरा बेटा करण था। जब मैं प्रीता से बात करती हूँ, उसे देखती हूँ, तो मुझे मेरा करण याद आता है। एक शब्द में कहूँ तो मुझे करण की छवि नजर आती है प्रीता में, उसकी होने की निशानी है। आज अगर करण यहाँ होता ना तो मुझसे लड़ लेता, बोलता मॉम आप हमेशा प्रीता का साथ क्यों देती हो, लेकिन दिल ही दिल में बहुत खुश होता कि मैं उसकी पत्नी का साथ दे रही हूँ, क्योंकि वो जो अंदर था ना वो बाहर कभी दिखाता नहीं था, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता था मेरा बेटा। बिल्कुल ऐसे ही मेरा करण करता। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं प्रीता को नापसंद नहीं करता। क्या नापसंद नहीं करते मतलब? है अंजलि, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो, बोर हो रही हो? अरे नहीं, गणपति के पावन अवसर पर कोई घर आया हो तो बोर कैसे हो सकता है, ये सिर्फ पार्टी नहीं है मेरे लिए, उससे कई ज्यादा बढ़कर है। ये तुम ऐसे अकेली खड़ी थी, दीवार की तरफ देख रही थी, मुझे लगा बोर हो रही होगी तो मैंने नहीं, पूछ लिया। कुछ नहीं, नहीं मेरा कुछ चल ही नहीं रहा। नहीं। चुप। तुम आओ ना मेरे साथ। अच्छा, अरे सृष्टि, अरे सृष्टि मेरी बात सुनो। अरे यार पता नहीं पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए जो ऐसी बीवी मिली है, इतना समझाने के बाद भी हमेशा मुझ पे शक करती है। अरे कहाँ ले जा रही हो मुझे? तुम्हारा क्या दिल विल आ गया क्या मेरे पति पे? जब देखो तो उसके इर्द गिर्द घूमते रहती हो। देखो झूठ मत बोलना, बप्पा के सामने झूठ बोलोगी ना तो ये नाराज हो जाएंगे। सच सच बताओ, चलो। नहीं, झूठ। सच बोल रही हो? झूठ बोल रही हो तुम। तुम उसे पसंद करती हो ना, है ना? तुम उसे पसंद करती हो? डोंट ना lie. तो किसी और पे मेरा ध्यान रहता है और ना ही मुझे कोई और पसंद है, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये किसी और को पसंद करती है, कौन हो सकता है? बोलिए ना राखी माँ, क्या बात चल रही थी? जब वो नहीं बताना चाहती है तो फिर तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें हर बात जाननी होती है ना हमेशा? हाँ, मुझे हर बात जाननी होती है जो मेरे बारे में हो रही होती है।
क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो मेरा नाम लिया जा रहा था। अगर तुम्हारा नाम लिया जा रहा होता ना तो मैं बिल्कुल नहीं पूछती कि क्या बात चल रही है, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। थैंक गॉड मैं बच गया। अर्जुन इसे छेड़ मत अभी, ओके? मैं छेड़ रहा हूँ इसे? ये छेड़ रही है मुझे? ये गलत बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं यहाँ पे मेहमान की तरह आया हूँ ना यहाँ पे, और मेरी कोई खातिरदारी नहीं हो रही है। इतनी बदतमीजी से मुझसे बात की जा रही है और आप देखे जा रही है। ये अच्छी बात है नहीं, बहुत कमाल की बात है। सिचुएशन के हिसाब से तुम अपना स्टैंड बदल लेते हो। हाँ, जब तुम्हें हमारे परिवार का खास बनना होता है तो तुम कहते हो मैं तो इस परिवार का ही सदस्य हूँ, लेकिन जब तुम ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो कहते हो मैं तो मेहमान हूँ, मुझसे ऐसे कर रहे हैं। वैसे कितने रूप है तुम्हारे मिस्टर सूर्यवंशी? प्रीता लूथरा, जब तुम सुबह सुबह उठती हो तो करेले का जूस पी जाती हो क्या, या फिर सिप सिप करके पूरा दिन पीती ही रहती हो? देखो पहली बात तो ये कि तुम मेरे कमरे में खड़े हो, पहले तो यहां से निकलो। प्रीता क्या हो गया है तुझे? घर बुलाए हुए मेहमान से कोई ऐसी बात करता है? ये ऐसे ही बात करती है, मुझसे अच्छा ऐसा कोई नहीं जानता। तुमसे अच्छा मुझे कोई नहीं जानता? अरे तुम तो मुझे जानते ही नहीं हो। अगर इस दुनिया में कोई मुझे जानता पहचानता था ना तो सिर्फ करण। मेरा मतलब है कि तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? हाँ देखो ये बात साफ है कि तुम हमारे घर में बहुत अजीब बिहेव करते हो, इस बात पे सब लोग अग्री करेंगे। वो तो मेरे परिवार का बड़प्पन है कि तुम्हें बर्दाश्त कर लेते हैं। वैसे यू नो व्हाट, हमेशा तुम हमारे घर आते हो, कभी हमें मेहमान बनाकर अपने घर बुलाओ, फिर हम भी तुमसे वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे तुम हमसे बिहेव करते हो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने वियर्ड हो। आ तो आओ ना मेरे घर पे। ओफो चुप हो जाओ तुम दोनों, इतनी लड़ाई क्यों करते हो? मेरा तो सारी दुख क्या हे राम। अरे अर्जुन कहाँ जा रहे हो? अरे राखी माँ आप बैठो ना, आपके सर में दर्द हो रहा था। जाने दो उसे, बदतमीज सूर्यवंशी को भगा दिया तूने उसे, बुलाना ही नहीं चाहिए था। मिस्टर लूथरा मानना पड़ेगा, आपके घर के गणपति तो बेस्ट गणपति होते हैं। तलेजा साहब ये जितना भी अरेंजमेंट है ना, मेरा बेटा ऋषभ देखता है और उसकी चॉइस बहुत कमाल की। गिरीश जरा फूल वहां पर भिजवा देना। आई क्या? दैट इज जस्ट टू नाइस एज पर है नहीं। बाय द वे मम्मा अंदर बुला रही हैं। गुड मॉर्निंग सर। अरे अभिषेक व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सर मैं मिस्टर अर्जुन सूर्यवंशी का कॉन्ट्रैक्ट ले आया हूं। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बाद में दिखाना, पहले पापा के दर्शन करो। जाओ पहले माता टेक। मॉम आपको कब से बुला रही है? अभिषेक भैया वो अभिषेक आने वाला है। बेटा आने वाला नहीं है, आ गया है वो देखो। अरे सॉरी वो लेट हो गया थोड़ा मैं। बेटा यहाँ तो लेट हो गया लेकिन अर्जुन को बुलाने में लेट मत करना। हाँ शुभ मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए, इसी दौरान कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाना चाहिए। चाचू डोंट वरी, अगले एक मिनट में अर्जुन आपके सामने होगा। हाँ होगा लेकिन पहले मेरी बात समझ। क्या हुआ बता? जैसे ही वो आएगा उसको स्टडी में लेकर आना, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। आप टेंशन मत लो ऋषभ, अभी क्या कर रहा है सब? मैंने कुछ किया ही नहीं। आपको लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं आता हूँ। सॉरी सॉरी जल्दी थी। हाँ सॉरी 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 गाइस सॉरी। ये हमने घर के गेस्ट हैं, इनसे इतना डरने की? गेस्ट हैं लेकिन लड़के हैं ना, और सृष्टि ने देख लिया तो इसकी तो खाट खड़ी हो जाएगी। आपको पता नहीं है पहले ये सृष्टि को डराता था, वो डरती नहीं थी, अब सृष्टि इसको डराती। अगर गलती से सृष्टि ने इसको किसी लड़की से टकराते हुए देख लिया, उसके बाद जो टकराहट होगी उसके बारे में आपको पता है ना? एक तो हमने उसे अपने फंक्शन में बुलाया है, मेहमान है वो हमारा, फिर भी बदतमीजी कर रहा है, कितना झगड़ा करता है, मुंह कितना चलता है उसका, बहुत इरिटेटिंग है। मेरे बस में होता ना तो कभी इनविटेशन ही नहीं देती, सच्ची बता रही हूँ राखी माँ आपको। क्या हो गया राखी माँ, आप ऐसे हंस क्यों रही हैं? तू अर्जुन से लड़ जो रही थी। हाय राम कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं कहाँ लड़ रही थी? आपको लगता है कि मैं लड़ रही थी? लड़ना झगड़ना ये सब तो मेरी नेचर का पार्ट ही नहीं है। अर्जुन मुझसे लड़ रहा था, देखा नहीं कितना झगड़ालू है, बहुत ज्यादा, कैसे आगे से जवाब देता है, कितना मुंहफट है। मेरा मतलब हमारी अच्छाई का फायदा उठाता है वो, आपको इतना भी अच्छा बन के दिखाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उसके इतने पर निकल गए हैं। राखी माँ हंस क्यों रही हैं? आई एम सीरियस। रियली
लेकिन मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि तू अर्जुन से बिल्कुल वैसे लड़ाई कर रही थी जैसे तू करण से करती थी। एक मिनट, यार तुम मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकती? हाँ, पता नहीं सब लोग तुम्हारी तारीफ क्यों करते रहते हैं, मुझे तो तुम्हें कोई अच्छाई नहीं दिखती। अरे तुम्हें तो जिंदगी भर अच्छाई नहीं दिखेगी क्योंकि किसी में अच्छाई देखने के लिए खुद में भी तो अच्छाई होनी चाहिए ना। तुम खुद ही इतने बुरे हो कि तुम्हें सब बुरे लगते हैं। अपने घर बुला के देखो तो मैं भी आऊंगी और बिल्कुल ऐसे ही बर्ताव करूंगी। तुझे जाना है उसके घर, बोल देती हूँ इनवाइट कर लेगा। बिल्कुल नहीं, उसकी आदत है ऐसे बच्चों की तरह लड़ने की। ओ, उसकी आदत है लड़ने की, तेरी आदत तो बिल्कुल नहीं है ना। लड़ता झगड़ता वही है, परेशान वही करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे करण तुझसे लड़ता झगड़ता था, तुझे परेशान करता था। तू तो कभी लड़ाई नहीं करती थी ना परेशान करती थी, है ना? आपने कहा कि आपके सर में दर्द हो रहा था, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके लिए ना अच्छी सी अदरक इलायची वाली चाय बना कर लाती हूँ। गर्मा गर्म चाय। जब चाय लवर्स जब चाय पीते हैं ना तो उनके सारे टेंशन सर दर्द यहां तक कि गुस्सा भी शांत हो जाता है। तो आप एक गर्मा गर्म चाय पीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाय पियो, वो भी गर्म गर्म। गरम गरम चाय पीने से ना जो सिर का दर्द होता है ना और टेंशन होती है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब मॉम लग रही है, तू मजाक कर रहा है? नहीं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, पी के देखो, देखो मैं सच कह रहा हूँ, सही हो जाओगे आप। प्लीज ये देखिए चाय की खुशबू से ना आपके चेहरे पे कितनी प्यारी सी स्माइल आ गई। ये स्माइल तेरी वजह से आई। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। मैं छाया तेरी, चाहे तो पी लो, मैंने अपने हाथों से बनाई है। से तेरी थाप याद है मुझे, माँ मेरी तू मेरा जन्नत जहाँ, माँ मेरी तू मेरा है आसमान। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा। ये क्या, ये मोस्ट वांटेड लोग है कहां, दिख क्यों नहीं रहे? इतने सारे मेहमान हैं यहां पर अर्जुन और प्रीता इनके साथ क्यों नहीं है? कहां ये दोनों?
ध्यान क्या है तुम्हारा? ये तरीका होता है गैस को हैंडल करने का? गिरीश, तुमने इसे कुछ सिखाया नहीं? लूथराज के फंक्शन कैसे होते हैं तुम्हें तो पता है ना? नेक्स्ट टाइम किसी भी गैस का ग्लास खाली नहीं होना चाहिए, समझ गए तुम? ये लेडी लूथरा कभी नहीं बदलेगी। जब देखो लोगों को उल्टा सीधा बोलती है, डांटती है, फटकारती है, यही आता है इसको सड़ेल कहीं की। अरे पंडित जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आई मीन टू से, आपको तो वहां होना चाहिए ना, कोई पूजा पाठ कीजिए, राइट? हम वहीं जा रहे थे बालिके, और तुम आ गई। बालिके? मैं? हाँ बालिके, अब जब तुम आई गई हो तो आओ, हमारे चरण स्पर्श करो और हमारा आशीर्वाद ले लो। बालिके, हम कह रहे हैं तुमसे हमारा आशीर्वाद ले लो। वो क्या है ना, हमारे अंदर से बहुत जोर से आशीर्वाद आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, इससे पहले कि वो आशीर्वाद निकल जाए, तुम हमारा आशीर्वाद ले लो, सार्थक हो जाओगे, जो चाहोगे वो मिलेगा। आओ और हमारा आशीर्वाद ले लो। ऐसे ही एक एक लूथरा को अपने पैरों में लाऊंगा, तब तब कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। पंडित जी, आपने आशीर्वाद नहीं दिया। दे दिया बालिके, मन ही मन में दे दिया। दे दिया? अच्छा, तो फिर यहाँ क्यों खड़े हैं आप? जाइए ना, पूजा पाठ कीजिए। जा रहे बालिके, जा रहे। बालिके नहीं, महिला। अच्छे अच्छों को देती है हिला, कभी नहीं सुधरेगी ये करीना। हाय, ये लूथरास, काश एक एक लूथरा को आशीर्वाद दे पाता, मतलब कि हर एक लूथरा को अपने कदमों में झुका पाता, वाह मजा ही आ जाता। चल अब बप्पा का नाम लेके शुरू हो जा। कौन?
विघ्नेश तू मेरा श्री गणेश तू विघ्नेश तू मेरा श्री